बंद करो इनोसेंट किलिंग्स को बंद करो नारा तकबीर अल्लाह अकबर नारा रिसालत या रसूल अल्लाह नारा तकबीर अल्लाह अकबर नारा रिसालत या रसूल अल्लाह इनोसेंट किलिंग को बंद करो इनोसेंट किलिंग को बंद करो नारा जो सिविलियन क्लिंग्स हुई है राजौरी में, दो मारे गए वहाँ पे, हम आज उसी के लिए यहाँ पे आए हैं और हम कंडम करते हैं इस चीज़ को और अपनी सरकार को हमें बोलना चाहते हैं कि ये रोज़ बर रोज़ जम्मू कश्मीर में कत्लेगार क्यों होती है, क्यों एक सिविलियन ही टारगेट होता है, क्या खता है उनका कि वो वहाँ पर काम करते थे, हमारी सरकार क्यों बैठी हुई है, क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं उन लोगों को जो ये हरकत करते हैं। और हमें एलजी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस पर इंक्वायरी बिठाई जाए और जिन्होंने भी ये कायराना हरकत की है उनको सजा दी जाए, चाहे किन्होंने भी किया हो, चाहे वो आर्मी हो चाहे या मिलिटेंट्स हो, जिसने भी ये किया उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये पूरे इंसानियत का कत्ल करते हैं ऐसे मजलूमों को मार के, इससे क्या वो साबित करना चाहते हैं आप मुझे बताइए। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो आज तक इनको आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाई, ये एक सवाल है इनके लिए। ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, ये जो स्विलिंग स्विलिंग हुई राजौरी में, जो दो पोर्टर्स थे जो वहाँ पे काम करते थे कैंप में, तो उनके बाहर लाश बरामद हुई तो उसी पे हमने ये प्रोटेस्ट किया है। और एक जो था उसमें इंजर्ड है, तो जो अभी जिसका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से यही पूछना चाहते हैं कि ये टारगेट किलिंग्स बंद कीजिए। और वो एक तो वो कैंप में काम करते थे और उनको ये उनकी किलिंग्स हुई, मतलब उनकी सेफ्टी नहीं है यहाँ पे आम कश्मीर। मैं तो इस नज़र से देख रहा हूँ कि ये तो सरासर जुल्म है कश्मीरियों पे। एक तो वहाँ पे देखो कैंप के बाहर लाशें दो बरामद होना, फिर कोई भी एजेंसी हो जो इनको मार रही हो, जो जिन्होंने इसको मारा, चाहे वो मिलिटेंट्स हो कोई भी हो, ये देखना पड़ेगा ना। ये जाँच तो यही करने वाले ना, इन्वेस्टिगेशन तो यही करते हैं। तो कैंप के बाहर जो पीस यहाँ पे, जब तक इनोसेंट किलिंग्स ख़त्म नहीं होगी, टारगेट किलिंग्स ख़त्म नहीं होगी, यहाँ पे कश्मीर के लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ पीस नहीं आएगा। और जेके अवामी आवाज़ पार्टी, जो हम तो पीस के लिए ही लड़ रहे हैं, हम तो चाहते हैं, हम इसी पे हमारी पार्टी बनी है ताकि हम पीस के लिए लड़ें, हम सिर्फ यहाँ पे पीस चाहते हैं। बाकी जो डेवलपमेंट है वो सब है, वो तो आता ही रहेगा जाता रहेगा, लेकिन जो पीस है ना वो बहुत ज़रूरी है। जब तक पीस नहीं आएगा ना किसी भी कौम में, तब तक वहाँ की जो यूथ है, वहाँ का जो लोग है, वो सब परेशान ही रहते हैं। दो किलिंग्स हुई, जो हमारे मजदूर भाई थे काम कर रहे थे वहाँ पे, उन पे ये हमारा प्रोटेस्ट है। देखिए जिसने भी ये किया है, चाहे फौज इसमें इन्वॉल्व हो या कोई एजेंसी इन्वॉल्व हो या टेररिस्ट ग्रुप इन्वॉल्व हो, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे उनके इंसाफ के लिए। इसलिए तो हमने पार्टी बनाई है। हमारा कोई मुद्दा नहीं है कि हमें पैसा मिले पार्टी से। पॉलिटिक्स यहाँ पे हमने देखा, हम तो पॉलिटिक्स से है ही नहीं। हमारा बैकग्राउंड आप देखिए, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक आम इंसान मर रहा है, इसलिए हमने ये पार्टी बनाई है। देखिए यहाँ जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज रीजनल पार्टीज थे, उन्होंने ब्लड पॉलिटिक्स किया, एक कश्मीरी को मरवाया, एक गरीब आवाम को मरवाया, कश्मीरी को जिल्लत की ज़िंदगी दी, इसलिए हमने पार्टी बनाई है और हम लड़ेंगे। अगर किसी भी कश्मीरी के साथ जुल्म हो रहा है हम निकलेंगे, चाहे वो कोई भी करे, चाहे हिंदुस्तान करे, पाकिस्तान करे।